नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी देवी एरम सिटी और आपका स्वागत मेरे चैनल ज्ञान टूटने इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इमीडिएट अपडेट्स आएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंटिन्यूएशन है हमारे पहले वीडियो का ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से। तो हियर कम्स द 10th क्वेश्चन, सोशल स्ट्रक्चर दैट इज स्टैटिक, कौन सा वो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है। ऑप्शन वन फैमिली, रिलीजन, तीन हेरिडिटी या फोर लॉ। कौन सा जो सोशल स्ट्रक्चर होती है वो स्टैटिक, स्टैटिक यानी क्या, दैट डजंट चेंज, जो चेंज होते हैं उनको हम डायनेमिक बोलते हैं, है ना। तो क्या है, यू नो द आंसर? यस, द आंसर इज हेरिडिटी। हेरिडिटी जो होती है वो स्टैटिक होती है, हमारे फैमिली हो, रिलीजन हो, लॉ, ये चेंज होते ही जाते हैं तो वो डायनेमिक होते हैं। तो हेरिडिटी इज अ सोशल स्ट्रक्चर दैट इज स्टैटिक। एंड जब मैं फैमिली बोलती हूँ, शायद आपके फैमिली में आपके भाई आए आपके बाद या सिस्टर आए, तो फैमिली में चेंजेस होते हैं ना। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग वो उसमें चेंजेस होते हैं। रिलीजन हो सकती है, वो भी आपके हाथ में है, आप ये आज ये रिलीजन फॉलो कर सकते हो, कल दूसरा। लॉस भी ऐसे ही चेंज होते जाते हैं, ऐसा नहीं कि लॉस रिमेन स्टैंडर्ड इन अ कंट्री। तो ये सब डायनेमिक होते हैं, लेकिन हेरिडिटरी जो होती है, आपका नाक जो आपकी दादी माँ का हो या सास यू नो आपका पापा का हो, जैसे नाक, कुछ और फीचर्स होते हैं, हाइट होती है, कलर स्किन टोन का होता है, ये सब हेरिडिटी होते हैं, है ना। तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो वैसे की वैसे ही रहते हैं। तो वी कैन से दैट हेरिडिटी इज सोशल स्ट्रक्चर दैट इज स्टैटिक। नेक्स्ट, अ लर्नर हु इज गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड एज, कौन सा वो लर्नर है वो अच्छा है लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, जो कुछ सॉल्विंग एटीट्यूड जो कुछ होता है, तो कौन सा वो बच्चे को हम क्या बोलते हैं, क्या उनको हम क्रिएटिव, ऑप्शन वन क्रिएटिव बोलते हैं, या दो ऑडिटरी, तीन विजुअल या काइनेस्थेटिक। आंसर क्या है? हाँ, क्रिएटिव। जो हमें क्रिएटिव थॉट जो होते हैं ना, उन्हीं को ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आती है, यानी ही कैन थिंक ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, सिर्फ एक सॉल्यूशन के साथ नहीं होते। और ये जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, उनको एक एबिलिटी होती है टू रीअरेंज एलिमेंट्स ऑफ थॉट टू क्रिएट न्यू आइडियाज और प्रोडक्ट्स, और उनके लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज होते हैं, सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, ऑडिटरी तो आपको मालूम है, जो सुन सकते हैं अच्छे, विजुअल जो अच्छे से देख सकते हैं, काइनेस्थेटिक इट इज ऑल अबाउट फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, राइट, फाइन या ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में है वो सब। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट आर क्रिएटिव लर्नर्स। नेक्स्ट, क्रूशियल सोशलाइजेशन इन अ पर्सन हैपेंस ड्यूरिंग, यानी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन जो कुछ होता है एक पर्सन की जिंदगी में, एक आदमी की जिंदगी में, तब कब होता है? क्या वो ऑप्शन वन अडल्टहुड में होता है, दो एडोलसेंस के एज में, या तीन अर्ली चाइल्डहुड में, या चार इट हैपेंस थ्रू आउट लाइफ, यानी पूरी जिंदगी में वो क्रूशियल सोशलाइजेशन होती है। कौन सा पीरियड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? हैव यू चूजन द आंसर? मैं बताऊं, सोशलाइजेशन इज वेरी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आप सब लोग मानते हो ना चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे जो कुछ यू नो स्पेशली जो चाइल्डहुड में वो पर्टिकुलर ग्रुप के साथ मूव करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, वो वैल्यू सिस्टम जो कुछ होती है, बिहेवियर होती है, बिलीव्स, वो सब इसी एज में ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। जो कुछ हम चाइल्डहुड में देखते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड में, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट थ्रू आउट देयर फ्यूचर लाइफ। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सोशलाइजेशन जो होती है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत मायने रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलाइजेशन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्या ऑप्शन वन में बोल रहे हैं कि सोशलाइजेशन प्राइमरी है और सेकेंडरी है, ऑप्शन टू है डेवलपमेंट एंड एंटिसिपेटरी, और तीन बोथ वन एंड टू, एंड फोर नन ऑफ द अबव। क्या है आंसर? Answer is 3, that is both 1 and 2. Social is primary, it is secondary, it is developmental and anticipatory. Yani there are 5 types of socialization. जब मैं socialization के बात करूँ तो
वो उनमें पांच तरह के सोशलाइजेशन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डेवलपमेंटल है, एंटिसिपेटरी एंड रीसोशलाइजेशन। एग्जाम में आपको इन चार या पांचों में कुछ भी दे ऑप्शंस, आराम से पूरे के पूरे लेना है। ओके बस नेक्स्ट सी, आप शायद सोचते होंगे कि क्या आप ज्यादा सोशलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हो। आई कांट कंप्लीट द पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में, है ना, 10 क्वेश्चंस में। तो जो कुछ ऐसे टॉपिक्स आते रहे हम हर रोज करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में ज्यादा फोकस थीरीज पे हो सकती हूँ, दूसरा दिन कुछ और कॉन्सेप्ट पे हो सकते हैं, ऐसा भी करेंगे। ओके सो जस्ट डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, जैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वैसे सीखते जाइए, आंसर करते जाइए। ओके अगर आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। अगर आपको और कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ वीडियोज चाहिए तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में तो लिख लीजिए, मैं वो वीडियोज अपलोड कर दूंगी। हाँ नाउ कमिंग टू अवर 14th क्वेश्चन, वी गेट पोस्टुलेटेड दैट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी बर्थ से 2 साल तक, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट बाय यूजिंग। पिगेट के हिसाब से कौन सा जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या अच्छा सीखता है, लर्न्स बेस्ट कौन सा स्टाइल यूज के, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, सेंसेस या पास्ट एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। आई एम श्योर इवन आप लॉजिकली थिंक करोगे तो आप आंसर बता पाएंगे। हाँ आंसर है बिल्कुल, आंसर इज 3। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पिगेट सेंसरी मोटा स्टेज होती है, यानी सेंसेस वाली स्टेज, है ना। सो ये स्टेज होती है, बच्चों को आप ही बोलो वो ज्यादा सेंसेस के साथ सीखते हैं। द स्टेज इन्वॉल्व सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज मोर, ये जो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज होते हैं, ये सकिंग होती है, ग्रेस्पिंग होती है, हाथ को अगर आप दे दोगे तो बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं ना, और अगर हाथ उनके मुंह के सामने रखोगे तो वो सक करने के लिए देखते हैं। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, वो सोचते हैं कि उनको दूध पीना है, राइट। तो ये जो पिगेट पोस्टुलेटेड, दिस इज द फर्स्ट, ही सेड दैट अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट थ्रू सेंसेस, फील, टच उनके साथ। तो नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस शुड बी सीन एज अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। कौन सा जो है इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स जो बच्चों के स्कूल लाइफ के लिए एनहांस करती हैं, एनरिच करती हैं। ऑप्शन 1 इंडियाज मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, 2 रिलीजन, 3 इकोनॉमिकल स्टेटस, 4 नन। व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन? यस आंसर होगा आपका 1, इंडियन मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि बच्चे ऐसे बहुत अच्छे सर सीख जाते हैं क्लासरूम में, स्पेशली इन अ क्लास जहाँ डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स हों, वैरायटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेजेस जो हो, तो बच्चे क्या होता है उनको उन दूसरों बच्चों का कल्चर जो कुछ होते हैं वो आदत हो जाती है, रिसोर्सेज, लैंग्वेज स्किल्स, ऑल दिस गेट एनहांस्ड। बेस्ड ऑन रिलीजन, इकोनॉमिकल स्टेटस, इट इज नॉट सो एनरिचिंग इन अ स्कूल लाइफ फॉर अ स्टूडेंट। द बेस्ट रिसोर्स हियर इज इंडियाज मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, जहाँ बच्चे इन अ क्लासरूम आर फ्रॉम डिफरेंट, उनका फर्स्ट लैंग्वेज जो कुछ होते हैं, मदर टंग जो कुछ, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर के होते हैं, तब ये बहुत एडवांटेजेस होती हैं बच्चों को लिए क्लासेस में। नेक्स्ट कम्स अ 16th क्वेश्चन, अ साइकोलॉजिस्ट हु टॉक्ड अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग अज्यूमिंग दैट एनवायरमेंट इज वन दैट शेप्स अ बिहेवियर एंड इंटरनल मेंटल स्टेट इज। कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिन्होंने कहा क्लासिकल कंडीशनिंग एज्यूम दैट एनवायरमेंट इज अ वन दैट शेप्स द बिहेवियर एंड इंटरनल मेंटल स्टेट। कौन थे वो? ऑप्शन 1 अल्फ्रेड बिनेट, इवान पावलो, चार्ल्स पियरमैन, हॉवर्ड गार्डनर। जब मैं क्लासिकल कंडीशनिंग बोलूंगी तो आपको कौन मन में आते हैं? बिल्कुल राइट, इवान पावलो। कौन थे वो जो यू नो ही केम अप विद दिस साइकोलॉजिस्ट है जो क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बोले? इवान पावलो। वो है हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज नोन प्राइमरली फॉर हिज वर्क इन क्लासिकल कंडीशनिंग। उन्होंने बिलीव किए हैं कि बिहेवियर इज लर्न बाय अ रिपीटेटिव एसोसिएशन बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। तो आपको याद है ना इवान पावलो का एक्सपेरिमेंट कौन किसके ऊपर किए हैं? डॉग के ऊपर, और बेल वाली शायद आपको याद होगा, वो उस एक्सपेरिमेंट पे किए हैं, राइट। Next, let's go to the next question. Open-ended questions would require, or an unstructured question would require, kya?
ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी क्या है, क्या रिक्वायर्ड होती है, क्रिएटिव आंसर चाहिए हमें या येस नो रिस्पॉन्स, क्या हमें स्टैटिक आंसर चाहिए या नो रिस्पॉन्स। अगर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछूंगी तो आंसर कैसा होना चाहिए, येस एब्सोल्युटली, इफ यू हैव सेड वन आप बिल्कुल सही हो, आंसर है वन क्रिएटिव आंसर्स। यानी अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं तो वो सिर्फ येस और नो के साथ हम रिस्पॉन्स नहीं दे पाते और स्टैटिक रिस्पॉन्स नहीं हो सकती है। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कुछ भी आंसर हो सकती है, कैसे भी आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, किसी डिफरेंटली आप आंसर दे सकते हो। अगर स्टैटिक है तो एक ही होगा और येस नो वाली नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन लर्निंग कैन बी टर्म्ड एज, यानी जो एबिलिटी होती है खुद बच्चे खुद सीख जाते हैं, क्या उसको हम ऑप्शन वन सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, दो क्रिएटिव रेगुलेशन बोलते हैं, तीन फॉलोइंग रेगुलेशन बोलते हैं या चार बोथ टू एंड थ्री। आंसर होगा हाँ वन सेल्फ रेगुलेशन। ये प्रोसेस होती है जहाँ लर्नर बहुत कॉन्शियस होता है, ही पर्सनली ट्राइज टू मैनेज हिमसेल्फ इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग वंस ओन थॉट्स बिहेवियर एंड फीलिंग टू रीच गोल्स। तो ये जो खुद बच्चा सीख रहा है, ओन लर्निंग होता है, तो वो हम बोल सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेटेड है। ओके, ऑप्शन वन है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग और एन अप्रोच इन टीचिंग इन सच अ वे विच रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू प्रॉब्लम सॉल्व थिंक एनालाइज एंड मेक मीनिंग इज सिमिलर टू, क्या हो सकती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग वाली बात, कौन सा जो स्टेटमेंट है यहाँ रिफ्लेक्ट करती है कर टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी एक अप्रोच जहाँ इन टीचिंग इन साचर वे कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, थिंक करते हैं, एनालाइज करते हैं सब कुछ। तो आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, या ये एक्टिविटी से होता है, या टीच स्टूडेंट्स टू गिव एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट हाउ द कॉन्सेप्ट लर्न वर्क्स, यानी हम अगर बच्चों को सिखाते हैं तब ये होता है टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग होती है, या हेल्प स्टूडेंट सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, या फोर ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा आंसर। यस, आंसर है आपके ऑल ऑफ द अबव। इन सब चीजों में जो कुछ हम करते हैं ये सब विल हेल्प अस टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पे एक अप्रोच जहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, एनालाइज करेंगे सब कुछ। सो आई कैन से लर्न, यू नो कहाँ है हम, sorry, yeah, is defined as an approach to teach in such a way ki it requires student to think, analyze, problem solve, sab kuch. Okay, now coming to the next question, a statement which holds no truth about learning, kaun sa jo statement hai which does not hold any truth about learning. Option 1, error made by children indicate that learning has taken place. And option 2, learning has no effect in an environment that is emotionally positive and satisfying for the learners. Or option 3, learning is affected by emotional factors at any stage of learning and for all of the above. Kya ho sakti hai aapki answer? Huh? Learning has significant effect. जब मैं बोलते हैं कि विच होल्ड्स नो ट्रूथ, देखो यहाँ पे नो ट्रूथ, ये आंसर एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट द लर्निंग हैज टेकन प्लेस, ये बिल्कुल सही है। लर्निंग हैज नो इफेक्ट इन एनवायरनमेंट, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लर्निंग हैज एन इफेक्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड बच्चे अच्छी तरह सीख जाते हैं। और लर्निंग इफेक्ट होती है इमोशनल फैक्टर्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ लर्निंग, हाँ बिल्कुल, अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं होते तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल हमारे लर्निंग पे होता है। तो आंसर आई कैन से दैट टू इज द बेस्ट आंसर, कहा है हम, लर्निंग हैज सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सैटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स, मिस्टेक्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट लर्निंग हैज टेकन प्लेस। विद दिस वी विल एंड आवर वीडियो टुडे माय डियर फ्रेंड्स। अगर पसंद आए क्वेश्चंस, अच्छा लगा तो काइंडली बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। Thank you. Have a good day. Bye-bye.